हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टमाटर को बगैर छीले और बगैर उबाले परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में टमाटर सूप बनाने का एक आसान सा तरीका शेयर करूंगी। तो देखा आपने कितना बढ़िया हमारा सूप बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार टमाटर सूप जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का लिया है। ये टमाटर और अदरक को मैंने अच्छे तरीके से धोकर के साफ कर लिया है। अब इनको हम रफली कट कर लेंगे। अभी टमाटर अदरक को मिक्सी जार में ऐड करेंगे। अभी देखिए, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, गुड़ को भी इसी में डाल देंगे। अब इनको हम मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इनको देखिए, मैंने बारीक पीस लिया है। देखिए, इस तरीके से कोई भी चटनी ले लेंगे। अब इसको हम चटनी में डाल देंगे। अब इसको हम जिस बर्तन में पकाएंगे उसी बर्तन में छान लेंगे। हमें इसके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको हेल्दी भी बनाना है, इस वजह से मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप चाहो तो इसमें गुड़ की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हो। अभी जारों खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको भी छान लेंगे। आज सूप को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर हमने टमाटर को उबाला नहीं है, बगैर टमाटर को उबाले भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अभी जितना भी इसका कचरा बचा है इसको फेंक देंगे। अभी पैन को चूल्हे पर रख देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम इसमें उबालने देंगे। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, ये आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर है, ये आधा चम्मच नमक है, ये मैंने काला नमक लिया है, ये आधे चम्मच से थोड़ा सा कम सादा नमक है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें देखिए उबालना स्टार्ट हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे। अभी सूप को गाढ़ा करने के लिए देखिए, मैंने एक चम्मच अरारोट लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अरारोट को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, उसका घोल बना करके रेडी कर लेंगे। अब हमने जो अरारोट का घोल बनाया है, घोल को इसमें डाल देंगे। अभी घोल को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम को लो रखेंगे, इसको बराबर से चलाते हुए हम लो फ्लेम में करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। इस सूप को लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम सर्व करने के लिए डिश आउट कर लेंगे। अब इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। ये मैंने घर के दूध की फ्रेश मलाई ली है, मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखा आपने, टमाटरों को बगैर उबाले भी हमारा कितना बढ़िया सूप बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार सूप जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मैं अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।